हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर G8 करेंगे, जर्नल 8 वर्कशीट करेंगे, जो कि क्लास 7 और 8 की है और विषय है सामाजिक ज्ञान। ये वर्कशीट 14 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। जब आप आमतौर पर फ्लू से बीमार होते हैं तो आपको बुखार, सर्दी, खांसी होती है और डॉक्टर आपको दवाई लिखते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब कोरोना वायरस फ्लू देता है तो यह कभी कभी लोगों की सांस को भी प्रभावित करता है और उनके शरीर को कमज़ोर कर देता है, जिससे उनकी मौत आ सकती है। देखो क्या कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। नॉर्मली जो फ्लू होता है वो कुछ दिनों, 2-3 दिनों तक रहता है बुखार, उसके बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन ये लोगों की सांस को, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उस पर जाके अटैक करता है, लंग्स पर जाके अटैक करता है और जिससे कि शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और कई बार इसमें डेथ के केसेस भी हमने सुने थे। अब देखिए आगे क्या कहता है। यह वायरस कई रूपों में फैला हुआ है, सिर्फ इसका एक ही स्ट्रेन नहीं, मतलब एक ही इसकी शेप या स्ट्रक्चर साइज एक ही नहीं है, अलग अलग चार टाइप के इसके लेखनीय रूप हैं। B117 अल्फा, B135 बीटा, B1 गामा, B1617 2 डेल्टा। तो ये कई रूप हैं इसके, अलग अलग टाइप समझ लो इसके ये हैं, जो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। आगे देखो क्या कहा गया है। यह वायरस अन्य वायरस की तुलना में अधिक आसानी से और तेज़ी से फैलते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, जिससे कोविड-19 के अधिक मामले होते हैं। मरीजों की संख्या में वृद्धि होने के कारण स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर भी अधिक दबाव पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते हैं, जिससे लोग ज़्यादा एडमिट होते हैं, जिससे कि जो संसाधन है या जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें लोगों को आने लग जाती है। अस्पताल में मरीज अधिक भर्ती होने के कारण संभावित रूप से अधिक मौतों का कारण बन जाता है। लोगों को उतना ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं, डॉक्टर्स की कमी हो रही थी, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मौतों का, जो डेथ्स का नंबर है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब देखो आगे देखते हैं क्या कहा गया है। अब तक अध्ययनों से पता चला है कि मौजूदा अधिकृत टीके सर्कुलेटिंग वेरिएंट एम पर काम करते हैं। भारत में उपलब्ध टीके कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी है। दुनिया के अन्य देशों में भी कुछ टीके उपलब्ध हैं, जैसे कि बीजवर, मोडर्ना, जॉनसन जापान, सिंफोफना, कोरोना वैक, है ना, निवोवैक। ये क्या है, कुछ इंजेक्शन है जो दूसरे देशों में उपलब्ध है, लेकिन इंडिया में 3 इंजेक्शन है जो उपलब्ध है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। कोविड-19 से खुद को सुरक्षित किस तरह से रखा जा सकता है। आपके लिए उपलब्ध एक कोविड-19 वैक्सीन लगवाएं। जो भी वैक्सीन जो गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई है, जल्दी से जल्दी कोविड-19 का वैक्सीन लगवाएं। अपने और दूसरों की सुरक्षा में मदद करने के लिए अपनी नाक और मुंह को ढकने वाला मास्क लगाएं। हमेशा मास्क पहने। जो आपके साथ नहीं रहते हैं उनसे 6 फीट की दूरी पर रहें। कहीं जा रहे हैं तो हमेशा 6 फीट की दूरी पर रहें। भीड़ भाड़ और ख़राब हवादार इंडोर स्थानों से बचें, जहां भीड़ है वहां नहीं जाना है। अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं, पानी से धोएं। साबुन और पानी न उपलब्ध होने पर हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। अब बहुत ही आसान इसके क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद एक गतिविधि है। तो पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस एक्चुअल में है क्या, एक वायरस ही है। हम लिखेंगे कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। आप क्या लिखोगे, आंसर नंबर 1, कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है जो अधिक तेज़ी से और आसानी से फैलते हैं। देखो यहाँ के बाद में ये लाइन ऐड कर देना, जो अधिक आसानी से और तेज़ी से फैलते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर बता रही हूँ, कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है जो अधिक आसानी से और तेज़ी से फैलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसके क्या लक्षण है, क्या लक्षण है इसके। ये आप सबको पता है, ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। बुखार, सर्दी, खांसी होती है, ठीक है, लोगों को सांस की तकलीफ़ होती है, सांस, यह सांस को भी प्रभावित करता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, है ना। तो ये इसके लक्षण है। आप क्या लिखेंगे, बुखार, सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, यहाँ पे लिख देते हैं हम, सांस लेने में तकलीफ आदि इसके लक्षण है। क्या क्या लक्षण होते हैं आप सबको पता है ना, बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाता है, नाक बंद हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, ये इसके लक्षण हैं। अब देखते हैं आगे, हम इनसे, एक सेकेंड, हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है, चाहे तो आप ये लिखते, चाहे तो हम शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं, अपने सुझाव दीजिए आपको क्या करना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, 2 फुट की दूरी, 2 गज की दूरी रखो, भीड़ में मत जाओ, ये सब आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो इसका शॉर्ट आंसर है वो देखते हैं।
चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, देखो क्या है, मास्क पहने, अच्छे से हाथ धोएं, लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, टीका लगवाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। चाहे तो वो जो पॉइंट है वर्कशीट में दिए हैं वो लिख लीजिए, चाहे आप ये लिखिए, मीनिंग सबका सेम और इनको फॉलो करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, कोरोना वायरस के खिलाफ कौन से टीके उपलब्ध है, भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ कौन कौन से टीके उपलब्ध है। तो देखो यहाँ पे आंसर दिया गया है एकदम साफ साफ, कौन कौन से टीके उपलब्ध है आपको याद भी होने चाहिए उनके नेम, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। ये क्या है, तीन टीके हैं जो भारत में उपलब्ध हैं। सॉरी आंसर नंबर फोर का ये हो जाएगा, ठीक है, थ्री का हमने कर लिया है, फोर का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना के विभिन्न रूपों को लिखिए। तो फिफ्थ आंसर देखते हैं हम, फिफ्थ का आंसर क्या है यहाँ पे दिया गया है, बहुत अच्छे से वर्कशीट में ही समझाया गया है, यहाँ से लिख, ये पांचवे का आंसर हो जाएगा, B117 अल्फा, B1351 बीटा, B1 गामा, B1672 डेल्टा, ये है इसका फिफ्थ का आंसर। ये सारे रूप आपके नाम इनके याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे की एक्टिविटी क्या दी गई है, समझते हैं। परिवार के सदस्यों से पता लगाइए, पहले ये देखो पता लगाइए कि पहला COVID-19 का मामला कहाँ पर आया था। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आया था, वुहान में आया था, और ये कहाँ पर है, चीन में है। ये आप सबको पता होगा, मुझे इस बात का पक्का ही है कि आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गतिविधि नंबर टू, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई एक स्लोगन अथवा पोस्टर बनाइए, कोई भी एक स्लोगन या पोस्टर बनाइए। हम लिख सकते हैं टीका लगवाओ या वैक्सीन लगवाओ, कुछ भी आप खुद बनाना, जैसे मैं तो खुद ही बना रही हूँ अभी ना, वैक्सीन लगाओ खुद को बचाओ, है ना, खुद को बचाओ। तो ये एक मतलब एक्टिविटी है, आप इसमें और अच्छे अच्छे स्लोगन बना सकते हैं। तो मैंने बहुत इजी सा बनाया है स्लोगन, वैक्सीन लगाओ खुद को बचाओ, आप चाहो तो कुछ और यहाँ पर बना सकते हो। अब हम एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। आपको क्या करना है, अपने घर के सदस्यों का नाम लिखना है, उनकी आयु लिखनी है, उन्होंने कौन सा इंजेक्शन या वो जो वैक्सीन है वो लगवाया है वो लगाना है, और उनमें कितने डेज का अंतर है, और वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा है। अब देखो घर के तो सभी सदस्यों का लगभग एक ही जगह आएगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि मम्मी, आपका मम्मी, आप फादर का नाम लिखो हरिलाल या हरिदास, जो भी आपके पापा का नाम है आप लिखेंगे हरिलाल। उनकी आयु हम लिख देते हैं 45 ईयर, ठीक है। कौन सी वैक्सीन लगाई है, कोवैक्सीन लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कोवैक्सीन लिख देते हैं, या हम हिंदी में लिख देते हैं इसको, है ना, कोवैक्सीन, ठीक है, ये हमने लगवाई है। उनके डोज में कितना अंतर है, तकरीबन एक महीने का, तो 28 डेज का अंतर है। और सेंटर का नाम क्या हो सकता है, जैसे कि अलग अलग जनकपुरी में भी बहुत सारे सेंटर है, तो जैसे कि मैं लिख देती हूँ जनकपुरी, ठीक है। अब सेकंड में आ जाएगा, आप लिख लो मदर का नाम, आपकी मदर का नाम लिख दो, सीता देवी लिख दो, ठीक है। उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगा। उन्होंने भी क्या लगाया है, कोवैक्सीन लगाया है, कितना डिफरेंस है, 28 डेज का, कहाँ से लगवाया, जनकपुरी से, क्योंकि एक परिवार के तो सब लोग इकट्ठे लगाएंगे ना। नंबर तीन पर आपका कोई बड़ा भाई है, इसका नाम लिख दो रामलाल, है ना, कोई भी नाम जो भी आपके बड़े भाई का नाम है। उसकी एज कितनी हो जाएगी, 25 कर लीजिए, ठीक है। क्या लगवाया, कोवैक्सीन लगवाया, कितने डेज का अंतर है, 28 डेज का। अगर कोविशील्ड लगवाया है तो 40 to 50 डेज का डिफरेंस हो जाएगा। और रोहिणी या आप मंगोलपुरी कहीं पे भी एड्रेस, जो भी जहाँ पे भी आपका कोवैक्सीनेशन का सेंटर है, वो आप यहाँ पर लगवाएंगे। तो इस तरह से आप इस जो ये वर्कशीट है इसको अपने यही नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स का, ठीक है। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।